हेलो गाइस, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेज़ी रॉकवेल। डेज़ी रॉकवेल एक बहुत ही फेमस ट्रांसलेटर हैं। सो आज हम इनकी लाइफ को और इनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो डेज़ी रॉकवेल हैं उनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी फैक्ट हमारे पास हैं, उसके बेसिस पे ही हम आज की वीडियो आगे शुरू करते हैं। सो गाइस, जो डेज़ी रॉकवेल है, डेज़ी रॉकवेल 1969 में पैदा हुई थी एंड प्रेजेंटली शी इज़ लिविंग इन नॉर्दर्न न्यू इंग्लैंड। ये एक अवार्ड विनिंग ट्रांसलेटर है जो हिंदी और उर्दू में लिखे हुए वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हैं। रॉकवेल एक पेंटर भी हैं और ये अपनी पेंटिंग्स को रेगुलरली पोस्ट करती रहती हैं। इनके दोनों पेरेंट्स आर्टिस्ट हैं और ये नॉर्मन रॉकवेल जो कि एक पेंटर, इलस्ट्रेटर और ऑथर हैं, उनकी ग्रैंड डॉटर हैं। रॉकवेल ने काफ़ी सारी लैंग्वेजेस सीखी हैं, जैसे कि हिंदी, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन एंड एनिशेंट ग्रीक। इन्होंने अपनी पीएचडी शिकागो यूनिवर्सिटी से इन साउथ इंडियन लिटरेचर में की और 1998 में इन्हें पीएचडी डिजर्टेशन लिखने के लिए ग्रांट भी मिली। अगर बात की जाए इनके डिजर्टेशन की, तो वो उन्होंने हिंदी ऑथर उपेंद्रनाथ अश्क के ऊपर लिखी है। इनकी डिजर्टेशन का टॉपिक है उपेंद्रनाथ अश्क। अब हम बात करते हैं इनके वर्क्स की। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशंस को डिस्कस करेंगे कि इन्होंने कौन कौन से वर्क को ट्रांसलेट किया है। सो जो सबसे पहला वर्क है जो इन्होंने ट्रांसलेट किया है वो है हैट्स एंड डॉक्टर्स। हैट्स एंड डॉक्टर्स उपेंद्रनाथ अश्क का लिखा हुआ वर्क है जो कि 2013 में डेज़ी रॉकवेल ने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। सो नेक्स्ट वर्क है हमारे पास फॉलिंग वॉल्स। जो फॉलिंग वॉल्स हैं वो भी उपेंद्रनाथ अश्क का एक वर्क है जो कि उपेंद्रनाथ अश्क ने हिंदी लैंग्वेज में लिखा था और 2015 में डेज़ी रॉकवेल ने इसे इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। अगर बात की जाए इस वर्क के ओरिजिनल टाइटल की, तो फॉलिंग वॉल्स का ओरिजिनल टाइटल है गिरती दीवारें। नेक्स्ट वर्क है हमारे पास तमस। जो तमस है उसे भीष्म शाहनी जी ने लिखा है और भीष्म शाहनी ने इसे हिंदी लैंग्वेज में लिखा है। 2016 में डेज़ी रॉकवेल ने इस वर्क को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो हमारे भीष्म साहनी जी हैं, इनके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। सो उस वीडियो का जो आपको लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्क है हमारा द वुमेंस कंट्री यार्ड। जो वुमेंस कंट्री यार्ड है वो वर्क खदीजा मस्तूर ने लिखा था और खदीजा मस्तूर ने इस वर्क को उर्दू लैंग्वेज में लिखा था और 2018 में डेज़ी रॉकवेल ने इसे इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया था। अगर बात की जाए इस वर्क के ओरिजिनल टाइटल की, तो वो है आंगन। उर्दू में इस वर्क को आंगन टाइटल से बुलाया जाता है। नेक्स्ट वर्क है इन द सिटी अ मिरर वेंडरिंग। इन द सिटी अ मिरर वेंडरिंग उपेंद्रनाथ अश्क जी ने हिंदी लैंग्वेज में वर्क लिखा था और ये जो वर्क है इसे 2019 में डेज़ी रॉकवेल ने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और इस वर्क का जो ओरिजिनल टाइटल है वो है शहर में घूमता आईना। नेक्स्ट वर्क हमारे पास है अ प्रोमिस्ड लैंड और ये जो वर्क है प्रोमिस्ड लैंड, इसे भी खदीजा मस्तूर ने लिखा था और उर्दू लैंग्वेज में इस वर्क को ओरिजिनली लिखा गया है। 2019 में इस वर्क को इंग्लिश लैंग्वेज में डेज़ी रॉकवेल द्वारा ट्रांसलेट किया गया था और इस वर्क का जो ओरिजिनल टाइटल है वो है ज़मीन। सो नेक्स्ट वर्क हमारा जो है, नेक्स्ट ट्रांसलेशन जो हमारी है वो है अ गुजरात हियर एंड अ गुजरात देयर। ये जो वर्क है ये कृष्णा सोबती जी ने हिंदी लैंग्वेज में लिखा था और 2019 में इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था डेज़ी रॉकवेल ने और इस वर्क का जो ओरिजिनल टाइटल है वो है गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। नेक्स्ट वर्क है हमारे पास 55 पिलर्स रेड वॉल्स। ये जो वर्क है इसे उषा प्रियंवदा जी ने लिखा था हिंदी लैंग्वेज में और 2021 में डेज़ी रॉकवेल ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और इस वर्क का जो ओरिजिनल टाइटल है वह है 55 खंबे लाल दीवारें। सो नेक्स्ट हमारे पास जो फाइनल वर्क है, जो फाइनल ट्रांसलेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो ट्रांसलेशन है, ये जो वर्क है, इसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। जो टॉम्ब ऑफ सैंड है उसे गीतांजलि शिरीन जी ने लिखा था हिंदी लैंग्वेज में और इस वर्क को 2022 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया डेज़ी रॉकवेल के द्वारा। और अगर बात की जाए इस वर्क के ओरिजिनल टाइटल की, तो वो है रेत समाधि।
एक चीज़ आपने याद रखनी है कि टॉम्ब ऑफ सेंट जो वर्क है इसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता था, इस वर्क के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। और 2022 में जो टॉम्ब ऑफ सेंड है इस सेम वर्क के लिए डेजी रॉकवेल को वॉरविक प्राइज फॉर वुमेन इन ट्रांसलेशन भी मिला था। आगे जो डेजी रॉकवेल हैं उनको 2023 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान वानी फाउंडेशन डिस्टिंग्विश्ड ट्रांसलेटर अवार्ड भी मिला था। जो रॉकवेल हैं वो सिर्फ ना एक पेंटर और एक ट्रांसलेटर ना होके वो एक राइटर भी हैं। इन्होंने खुद के भी अपने कुछ वर्क्स हैं जो पब्लिश किए हैं, जैसे कि इन्होंने उपेंद्र नाथ अश की एक क्रिटिकल बायोग्राफी पब्लिश कराई और उसके साथ ही इन्होंने एक नॉवल लिखा था जिसका टाइटल है टेस्ट। टेस्ट नाम का इन्होंने एक नॉवल लिखा था। उसके बाद 2012 में इन्होंने अपना एक वर्क द लिटिल बुक ऑफ टेरर पब्लिश कराया। ये बुक पेंटिंग्स और एसेज की एक वॉल्यूम है जो इन्होंने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर पर लिखी थी। सो गाइज, ये जो है ये डेजी रॉकवेल के बारे में और उनके वर्क्स के बारे में है। इसके अलावा हमारे पास और भी जो वर्क्स हैं जैसे कि डिफरेंट राइटर्स ने लिखे हैं, गीतांजलि श्री हो गए, उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोबती और उपेंद्र नाथ अश्क हो गए, खदीजा मस्तूर हो गए। मैं ट्राई करूँगी कि मैं इनकी लाइफ के बारे में भी आपको वीडियोज़ जल्द से जल्द अवेलेबल कराऊं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज़।